गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज अक्षी किरार व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं सरोजी नगर मार्केट टू एक्सप्लोर द विंटर कलेक्शन। एंड सरोजी नगर का व्लॉग बनाने का आइडिया मेरी एक फ्रेंड ने दिया था जिसका नाम है गीता। तो थैंक यू सो मच। बट उसने मेरे को समर्स में दिया था, बट मैं विंटर कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए सरोजनी नगर। और सरोजनी नगर जाने से पहले आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वाटर बॉटल, बैग और एक कंफर्टेबल शूज आपको जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चलना पड़ता है। एंड मेक श्योर आपके पास अच्छा खासा कैश हो स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ATMs बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, तो कैश की जरूरत आपको पड़ सकती है और पेटीएम हर कोई नहीं लेता है। सो गाइज अब निकलते हैं सरोजनी नगर के लिए। और यहाँ मेरी मम्मी थोड़ा सा ट्राई कर रही है इंडिया गेट का फुटेज लेने के लिए, बट ले नहीं पाई। सो सरोजनी नगर मेरे घर से करीबन 15-16 किलोमीटर दूर है और बस हम पहुंच गए सरोजनी नगर मार्केट। ये है मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और इसके सामने ही आपको सरोजनी नगर मार्केट का गेट दिख जाएगा। अगर आप मेट्रो से आते हो तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, नहीं तो सरोजनी नगर जाने के और भी बहुत सारे गेट हैं। तो एंट्री करते ही मुझे यहाँ पे दिखा है एक इयरिंग का स्टॉल जो कि 30 रुपए में इयरिंग बेच रहा था। गाइज 30 रुपए में क्या ही आता है आजकल। और ये इतनी सुंदर चांद बालियां, इतनी सुंदर सुंदर इयरिंग्स और भी तरह तरह के इयरिंग्स थे यहाँ पे, आपको इयरिंग्स की तो भरमार मिल जाएगी। सो थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे यहाँ पे मिला 150 रुपए का स्टॉल जस्ट मदर डेयरी के सामने। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्वेटर्स थे, बट आपको थोड़ा सा छांटना पड़ेगा जरूर सरोजनी नगर में, कहीं पे भी जाके आपको थोड़ा सा छांटना पड़ेगा। ये व्हाइट वाला स्वेटर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये रेड वाला। और उसके जस्ट बगल में मुझे दिखा ये 200 रुपए का स्टॉल जो कि 200 रुपए में ओवरकोट्स बेच रहा था। ओवरकोट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये सारा एक्सपोर्ट का माल होता है और ये अच्छा ही रहता है, इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, बट थोड़ा सा आपको छांट के लेना पड़ता है। और कई बार तो क्या होता है कि बहुत अच्छे ब्रांड्स के भी आपको कपड़े मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पे ये पिंक वाला स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कलर एकदम हॉट मजेंटा पिंक था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने फटाफट से पैक करा लिया। और उसके आगे जाते ही जस्ट साथ में मुझे ये 300 रुपए का स्टॉल दिखा जिसके पास एकदम ट्रेंडी प्रिंट्स थे, बहुत ही अच्छे प्रिंट्स थे। और ये वाला प्रिंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट हम लोगों ने लिया नहीं। और देखते ही देखते गाइस मार्केट में भीड़ भी बढ़ने लग गई, यही होता है सरोजनी नगर में, पता नहीं चलता कौन से दिन कितनी भीड़ हो जाएगी। और फिर फाइनली हमें मिला 150 और 200 से भी कम का स्टॉल, 90 रुपीज का स्टॉल। गाइस 90 रुपीज का स्टॉल, जिसको देख के मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। और इसके पास बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स थे, बहुत ही अच्छे स्वेटर्स इसके पास थे, बस हाँ आपको छांटना जरूर पड़ेगा। सो विंटर कलेक्शन आ गया और ओवरकोट्स ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ये एक शॉप है, शॉप नंबर 82, इसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं। और अंदर थोड़ा सा आप जाओगे तो आपको जीन्स भी मिल जाएगी यहाँ पे, ओवरकोट्स, जीन्स, स्वेटर्स सब कुछ मिल जाएंगे और सब कुछ ट्रेंडी। इस बार सरोजनी नगर के कलेक्शन में हाफ बाजू के स्वेटर्स और क्रॉप स्वेटर्स बहुत सारे आए हुए हैं, तो इस शॉप पे आपको, इस शॉप पे के आगे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जीन्स ट्राई करी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, बट स्ट्रेचेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं लिया। कर्वी गर्ल्स को थोड़ा सा सोच के लेना पड़ता है, जो स्लिम होते हैं उनके लिए तो सही रहता है, यहाँ से कुछ भी उठा के पहन लो, बट हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। फिर भैया ने मुझे ये दूसरी जीन्स दिखाई जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट बहुत बड़ी थी क्योंकि मेरी हाइट भी बहुत छोटी है, इसलिए आधी से ज़्यादा जीन्स तो कट ही जाएगी। बट भैया मान नहीं रहे थे, मेरे को लेना नहीं था, बट भैया दिखाई जा रहे थे, इनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज यहाँ के भैया लोग बहुत स्वीट होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से आपको दिखाते हैं। ये दुकान जस्ट किन्स के शोरूम के सामने है, शॉप नंबर 82। तो किन्स के शोरूम के जस्ट साथ में एक और मुझे यहाँ पे दुकान मिल गई जिसके पास बहुत ही अच्छे जैकेट्स थे, स्वेटर्स थे, स्वेट शर्ट्स थे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंडी क्लोथ्स थे, लॉन्ग शर्ट्स भी थी। ये मैंने ट्राई करी लॉन्ग शर्ट जो कि मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, तो फाइनली मैंने ले ही ली और मेरे को अच्छी भी लग रही थी अपने ऊपर, और ऐसे मेरे पास है भी नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ से पैंट ट्राई करा, पैंट मैं पहली बार ले रही हूँ यहाँ से, बट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे भैया के पास। जो फॉर्मल पैंट मुझे किसी शोरूम से 1500 से नीचे की नहीं मिलेगी, वो मुझे यहाँ से 300 रुपए की मिल गई, क्योंकि मेरी मम्मी है बार्गेन की क्वीन, उन्होंने अच्छे से बार्गेन किया। और उसी शॉप के अंदर थोड़ा सा अंदर जाते ही मुझे एक और भैया मिले जो कि मुझे जबरदस्ती स्वेटर्स दिखाने लगे, मुझे नहीं लेने थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स दिखाए यहाँ पे मुझे। उन्होंने एक H&M का ड्यूप भी दिखाया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ले लिया जाए। तो मैंने मम्मी से इसको चेक करवाया, मम्मी ने इसको ओके कर दिया, तो फिर
क्या था, मेरे को लेना ही पड़ा और मम्मी फिर इसके ऊपर बार्गेन करने लग गई। यहाँ के शॉपकीपर्स गाइस बहुत तेज होते हैं, आपको 700, 800, 1000, 1500 ऐसे करके अमाउंट बताएंगे, बट आपको बार्गेन जरूर करना है, बार्गेन करके इसका कॉस्ट कम जरूर करना है। इसलिए मैं हमेशा अपनी मम्मी को साथ लेके जाती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से बार्गेन कर लेती हैं। और फिर मम्मी के आगे किसकी चलनी है गाइज, और फिर भैया मान गए और हमने फाइनली वो स्वेटर ले लिया। एक स्वेटर मैंने मम्मी के लिए भी देखा, ये वाला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर हमने वो दोनों स्वेटर पैक ही करा लिए। और जस्ट किन्स के शोरूम के आगे ही मुझे यहाँ पे 100 रुपए का एक और स्टॉल दिखा जिसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्रॉप स्वेटर्स थे, क्रॉप टॉप थे विंटर में पहनने के लिए, बहुत ही अच्छे कलेक्शन था इसके पास। बाकी एक हॉल वीडियो मेरा और आएगा, वो आप देखना मत भूलना। फिर उसके बाद आगे चल के ये 30 रुपए का एक और स्टॉल मिला जिसके पास बहुत ही सुंदर इयररिंग्स थे, इतने प्यारे इयररिंग्स थे। वैसे मैं तो इयररिंग्स ज्यादा पहनती नहीं हूँ, नेकलेस भी थे, इतने सुंदर सुंदर नेकलेस थे, और वो भी 100-100 रुपए में। 30 रुपए के इयररिंग्स थे और 100-100 रुपए के ये नेकलेस थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ये वाला इयररिंग मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने ट्राई भी किया बट मेरे ऊपर इयररिंग्स अच्छे नहीं लगते तो मैंने लिया नहीं, बट सारे इयररिंग्स देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। जो लोग इयररिंग्स पहनते हैं उनके लिए तो दिस इज हेवन। एंड देन किंग्स वाली लेन में ही थोड़ा सा और आगे जाके ग्रेफेटी वाली लेन से थोड़ा सा पहले मुझे ये एक और शॉप दिखी जिसके पास बहुत ही अच्छे जैकेट्स थे, ओवरकोट्स थे, ब्लेजर्स भी थे बहुत अच्छे अच्छे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरा मन तो कर रहा था ले लूँ एक आधा, बट मैं ओवरकोट्स पहनती नहीं हूँ। स्वेटर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, फिर मैंने सोचा अंदर जाके एक बार ब्लेजर ट्राई कर लेती हूँ, ब्लेजर क्योंकि मेरे को लेना भी था। तो ये ब्लू वाला ब्लेजर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, पहन के भी दिखाया भैया ने, बहुत सारे अलग अलग ब्लेजर्स और ट्राई करवाए, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग था मगर अच्छा लग रहा था। ये भैया ने शीशा छुपा के रखा हुआ था, ब्लेजर मुझे पहन के अच्छा लगा तो फाइनली मैंने ये ले ही लिया। और इस शॉप से जस्ट बाहर निकलते ही मुझे ये मिनी स्कर्ट्स की एक स्टॉल दिखा, यहाँ पे 100-100 रुपए में मिनी स्कर्ट्स मिल रही थी और इतने सुंदर कलर्स, इतने प्यारे प्रिंट्स, और जस्ट ₹100, इट्स अ ग्रेट डील। जो मैं तो पहनती नहीं हूँ बट जो लोग पहनते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी थी। ये लेदर स्कर्ट्स भी थी, चेक स्कर्ट्स भी थी, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स में थी स्कर्ट, और इतने सुंदर कलर्स में थी 100 रुपए में ओनली। और इससे थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे यहाँ पे बेल्ट का एक स्टॉल मिला, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की बेल्ट्स थी, मेरे को बेल्ट लेनी भी थी एक, तो मैंने ट्राई करा तो मेरे को अच्छी लगी, बट भैया बार्गेन नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से इन्होंने सही रेट पे बार्गेन किया तो फाइनली मैंने ये बेल्ट भी ले ली। बट कलेक्शन बहुत अच्छा था यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो आपको ब्रांडेड बेल्ट्स का भी ड्यूप मिल जाएगा और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। ये भैया के पास शूज़ भी थे, लेदर शूज़। उसके थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे यहाँ पे 50 रुपए का एक स्टॉल मिला, ये बहुत ही अच्छा था। यहाँ से थोड़ा सा छाट के कपड़े लेने पड़ते बट अच्छा था यहाँ पे कलेक्शन। आप अगर घर में पहनने के लिए कपड़े देख रहे हो तो अच्छे है, कई बार हाथ लग जाती है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अच्छी होती है और इन्हीं स्टॉल से मिल जाती है और बहुत अच्छी निकलती भी है। तो मेरी मम्मी को ये वाला पसंद आया बट हमने लिया नहीं। सो गाइस, ग्रेफेटी लेन से जस्ट पहले ही ये एक स्टॉल है जो कि पहले ये लोग ग्रेफेटी लेन में ही लगाते थे बट अब ये लोग यहाँ लगाने लग गए हैं। और यहाँ पे बहुत ओवरकोट्स है यार, ओवरकोट्स की भरमार है। मुझे तो लेना नहीं था बट ओवरकोट्स देख के मज़ा आ गया। आपको अगर बच्चे के लिए कुछ लेना है तो यहाँ से टॉयज़ भी मिल जाएंगे रीजनेबल प्राइस में। और भीड़ देखो गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये मुझे एक और 30 रुपए का स्टॉल दिखा इयररिंग्स का, इसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया और ये ब्लैक वाले भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। 30 रुपए वाले इयररिंग्स की तो मुझे लगता है यहाँ भरमार है। तो उससे थोड़ा सा आगे जाते ग्रेफेटी लेन की तरफ मुझे यहाँ पे एक और स्टॉल दिखा 200 रुपए में। गाइज, ये स्कर्ट बेच रहे थे, स्कर्ट और वो भी वुलन, मैंने ये कभी देखा नहीं था। और इतने सुंदर, इतने प्यारे कलर्स। यहाँ पे जॉगर्स भी थे, स्कर्ट्स के बीच में ही जॉगर्स भी थे और इतना अच्छा फैब्रिक था इनका, पॉकेट्स भी थी और बहुत अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था। और इससे थोड़ा सा आगे जाते ही हमें यहाँ पे शॉल का एक स्टॉल मिला जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे शॉल थे और गर्म शॉल थे और 150 रुपए में। गाइज, ये हीना साड़ीज के एकदम सामने भैया लगाते हैं और इनके पास बहुत ही अलग अलग पैटर्न्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर से ये बहुत महंगा भी मिलता है, आई गेस 1000-1500 का तो आराम से मिल जाएगा, एटलीस्ट 500 का तो मिलेगा ही कहीं से। ये मेरे को मम्मी के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और इनके पास अलग अलग पैटर्न में मफलर्स भी थे, शॉल भी थी, स्टॉल्स भी थे, जो भी आप लेना चाहो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये सरोजिनी नगर का फेक मेकअप, यहाँ से आपको डफल बैग्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो हमें बैग खरीदना पड़ा, वैसे तो हम एक बैग लाए थे बट एक बैग और खरीदना पड़ा। और यहाँ फिर से मेरी मम्मी की बार्गेन चालू हो गई,
फाइनली मेरी मम्मी ने 80 रुपये में ये बैग खरीदा, भैया 200 रुपये का बोल रहे थे बट मम्मी 80 रुपये पे उसको ले आई। और यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अच्छा स्टॉल दिखा, इनके पास बहुत प्यारे पीसेस थे इयर रिंग्स के, बट हाँ 30 रुपये के नहीं थे, महंगे थे, हर किसी का प्राइस अलग अलग था, 100 रुपये, 200 रुपये, किसी किसी का तो भैया 500 रुपये भी बता रहे थे। आई थिंक ये सारे हैंडमेड थे और अच्छे थे, ये सारे ईविल आई का भी है यहाँ पे देखो। और सरोजिनी नगर से आपको होम फर्निशिंग आइटम भी मिल जाएगा, ये भैया यहाँ पे टेबल क्लॉथ बेच रहे थे। और यहाँ से सूट भी मिल जाएंगे, स्ट्रेट, अनारकली, कैसे भी अगर आप सूट पहनने के शौकीन हो तो भी यहाँ से ले सकते हो। ऑल्सो क्रॉकरी भी यहाँ से मिल जाएगी, मुझे कप बहुत सुंदर लगा था बट मेरी मम्मी को नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से होम फर्निशिंग आइटम मिल जाते हैं, तो यहाँ पे टेबल क्लॉथ, सोफा कवर, यहाँ पे पर्दे, टेबल क्लॉथ देखो कितने सारे अलग अलग हैं। ऑल्सो यहाँ पे फुटवेयर भी आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, अगर आप फुटवेयर लेना चाहते हो तो भी यहाँ से ले सकते हो। और शॉपिंग करते करते अगर आपको भूख लग गई है और आप पटरी से नहीं खाना चाहते हो तो यहाँ पे साउथ स्क्वायर मॉल में आपको KFC, बर्गर किंग सब कुछ मिल जाएगा, मैकडॉनल्ड्स वगैरह। और अगर पटरी से खाना है तो गोलगप्पे, पापड़ी चाट, ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, बट हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया वो है शकरकंदी। शकरकंदी मुझे बहुत पसंद है और मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, हम लोग कहीं ऐसे मार्केट में जाते हैं तो शकरकंदी ज़रूर खाते हैं, हेल्दी भी रहती है और बाहर का जंक भी नहीं खाया जाता। और खाते खाते मैंने मम्मी ने डिसाइड किया कि भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अब घर की तरफ निकलते, रास्ते में कुछ दिखेगा तो ले लेंगे। और रास्ते में मुझे ये स्वेटर दिखा जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था बट इस पर एक टुक लगा हुआ था, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। ये भैया यहाँ पे बैठते हैं गेट नंबर 1 के एकदम सामने स्टॉल लगा के, 2 चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी वैसे भी। और यहाँ पे आपको पर्स भी मिल जाएंगे, ये गेट नंबर 1 के अंदर ही हैं, गॉगल्स भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, मैंने भी यहाँ से एक गॉगल ट्राई किया, ये पराडा का कॉपी है बट अच्छा लग रहा था मुझे। और भैया ने मुझे 100 रुपये में दे दिया, मेरी मम्मी ने ही बार्गेन किया, आप भी बताना अगर अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर तो। वैसे तो ये पराठा का कॉपी ओरिजिनल तो ले नहीं सकती हूँ बट नकली ही सही। और मैंने बहुत सारे अलग अलग और भी ट्राई करे, ये वाला भी ब्लैक वाला ट्राई किया बट ये मेरे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, वो वाला पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक और ट्राई किया, मुझे बड़े बड़े फ्रेम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने एक बार ट्राई किया बट ये भी कुछ ज़्यादा मुझे खास नहीं लग रहा था, फिर मैं आगे चली गई, वही पराठा वाला ले लिया मैंने फाइनली। और फिर आगे जाके मुझे 300 रुपये का स्टॉल दिखा जहाँ पे जैकेट्स मिल रही थी, बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी जैकेट्स थी, ये ग्रीन वाली पसंद भी आई बट डिफेक्टेड थी थोड़ा सा, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि डिफेक्टेड माल भी यहाँ पे होता है। बट जैकेट्स जो थी सारी की सारी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे कलर्स भी थे और मुझे पर्सनली पसंद भी आ रही थी बट सारी ऑलमोस्ट डिफेक्टेड थी। फिर हम थोड़ा सा आगे चले गए और आगे जाके मुझे यहाँ पे ये 200 रुपये का स्टॉल दिखा जिसके पास प्लाजोज और स्कर्ट्स, बहुत ही सुंदर सुंदर स्कर्ट्स भी थी, ये मेरी मम्मी के लिए बहुत अच्छी लग रही थी बट हम लोगों ने ली नहीं। बट अगर आपको लेना है ये देखो यहाँ पे प्लाजो इतना सुंदर लग रहा है ये वाला, और मैंने बट एक लिया यहाँ से, ये ब्लैक वाला जो अभी आपको आगे दिखेगा, ब्लैक वाला प्लाजो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये एक बोहो लुक दे रहा था और किसी भी टॉप के साथ ये बहुत सुंदर लगेगा समर्स में, बट मैंने विंटर्स में ही ले लिया। और फाइनली ये एक और स्टॉल था 200 रुपये की चप्पलें दे रहा था जो कि अच्छी भी लग रही थी बट मैंने नहीं ली। सो गाइस नाउ वी आर बैक होम, और सरोजिनी नगर जाना किसी एक टास्क से कम नहीं होता, तो अब मैं इस व्लॉग को यही खत्म करती हूँ। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर कोई और मार्केट घूमना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लेना। और ऐसी और वीडियोस के लिए और डेली व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू।